अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर इस तरह से ली चुटकी। संत कबीरनगर के जूताकांड पर अखिलेश ने चुटकी ली, कहा कि एक जनप्रतिनिधि दूसरे को 21 जूतों की सलामी दी हो, ये पहले कभी नहीं हुआ। हमारे गिनती में 21 थे, अगर लोग नहीं रोकते तो 21 जूतों की सलामी होती। हालात ऐसे हैं कि प्रभारी मंत्री की हिम्मत नहीं कि वे जिलों में चले जाए। महाराजागंज में एक जनप्रतिनिधि को लोगों ने जूता लेकर दौड़ा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, WNN न्यूज। देखिए, ये पहली बार हुआ है कि जहां पुलिस ही पकड़ी गई चोरी करते हुए। सोचो कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। सरकार को तो जवाब देना चाहिए। पुलिस चोरी खुद कर रही है, चोर बन गई पुलिस। किसी प्रदेश में ऐसा हो रहा होगा बताओ हमें? और पूरे दुनिया में कहीं नहीं हो रहा होगा कि एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि को 21 जूते की सलामी दे रहा हो। रफेल पे भी सवाल नहीं पूछा होगा। अरे, हमारे 21 जूते की सलामी पे सवाल पूछ रहे हो आप? और अगर वहां पर लोग नहीं रोकते तो वो 21 जूतों की सलामी थी। सोचो। और उसके बाद प्रभारी मंत्रियों की हिम्मत नहीं है किसी जिले में चले जाएं। और अगर पूरे हिसाब किताब लगा लो, जूतों का पूरा हिसाब किताब लगा लीजिए आप, बताइए महाराजगंज में एक जनप्रतिनिधि को दौड़ाया गया था, नहीं दौड़ाया गया था? महाराजगंज में एक जनप्रतिनिधि को दौड़ा लिया था जनता ने जूते लेकर के, सुना है मैंने। और एक मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री जो बोलने वाले हैं, वो बोलने वाले मंत्री, बताओ नंगे पैर नहीं गए थे क्या गाड़ी में बैठने? ये तो पता नहीं कैसी जूते वाली सरकार लग रही है मुझे। तो अब सोचिए, चुनाव आ गया है, जनता तैयार है, परेशान जनता इनसे हिसाब किताब मांगेगी। बताओ व्यापारियों को कितना परेशान किया है, कितना अन्याय किया है व्यापारियों के साथ। अभी मैंने सुना भाषण, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बताइए हम मोबाइल बना रहे हैं, जनता क्या स्वीकार कर लेगी मोबाइल बना रहे हैं? आप मोबाइल को असेंबल कर रहे हैं, आपने देश को धोखा दिया, जनता को धोखा दिया। आपने कहा कि हम स्वदेशी अपनाएंगे और आपने सबसे ज्यादा सामान और इस तरह का माल अगर कहीं से मंगाया तो चीन से मंगा लिया। एक भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, सब चीन से सामान आकर के मोबाइल असेंबल हो रहे हैं। ये जनता को धोखा भारतीय जनता पार्टी के लोग न दें। ये असेंबल हो रहे हैं और सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी ने दी थी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अगर हब किसी ने बनाया था तो समाजवादी सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बनाने का काम किया था। देश में सबसे ज्यादा मोबाइल आज भी कहीं अगर बन रहे हैं तो वो नोएडा में, और वो भी समाजवादी सरकार की वजह से बन रहे हैं नोएडा में मोबाइल।